तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। तो भाई सबसे पहले तो सॉरी, आप लोगों को वीडियो उतने ढंग से नहीं आ रही है। ये वाली वीडियो भी उतनी कुछ खास एडिटेड नहीं होगी क्योंकि मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा सही नहीं है। थोड़ा सा मैनेज कर लेना आप लोग, लेकिन बहुत जल्दी सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएगी। एंड इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे रेसलमेनिया के मेन इवेंट के बारे में। अभी भी कुछ चांसेस हैं कि जो रेसलमेनिया का मेन इवेंट है वो चेंज हो सकता है, कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स हो सकते हैं, यानी कि रोमन रेंस एंड कोडी रोड्स के मैच के बीच में। इसके बारे में हम लोग करेंगे इसी वीडियो में डिस्कस। छोटी सी वीडियो होगी, आप लोग देखना बिल्कुल एंड तक। सब्सक्राइब हो सके तो कर देना एंड वीडियो को लाइक कर देना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सेमी जैन रिसेंटली एक पॉडकास्ट के अंदर आए थे, जहाँ पे उनसे ये बात पूछी गई कि क्या आप रेसलमेनिया के मेन इवेंट में होना चाहते हो, क्या आपको लगता है कि रेसलमेनिया का मेन इवेंट एक ट्रिपल थ्रेट होना चाहिए। तो सेमी जैन इसका ही आंसर करते हैं। अब इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। सेमी जैन कहते हैं कि देखो, मुझे लगता है कि मैं एक परफेक्ट फिट हूँ वहाँ के लिए। मैं वहाँ पे जाऊँगा तो ऑब्वियसली मैं टाइटल वहाँ से ले लूँगा, लेकिन मुझे वहाँ तक जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहीं पे एलिमिनेशन चेंबर के अंदर ही रोमन से टाइटल ले लूँगा और उसके बाद एलिमिनेशन चेंबर के बाद मैं रेसलमेनिया मेन इवेंट करूँगा कोडी के साथ। इसलिए आपने देखा भी होगा WWE ने मंडे नाइट रॉ के अंदर जो ग्राफिक दिखाई है उसमें रोमन और सेमी वर्सेस कोडी दिखाया है। डैट मीन्स कि WWE अनप्रेडिक्टेबिलिटी रखना चाहती है कि रेसलमेनिया के अंदर कौन फेस करेगा कोडी रोड्स को। लेकिन हम सबको मालूम है कि एट दिस पॉइंट रोमन रेंस टाइटल रिटेन करने वाले, उनके पास जो ऑड्स है वो काफ़ी फेवरेबल हैं एंड रोमन ही मैच को जीतेंगे। लेकिन सेमी जैन कह रहे हैं कि वो स्टिल रेसलमेनिया के मेन इवेंट में होंगे। तो क्या ये चीज़ हिंट कर रही है कि रेसलमेनिया का मेन इवेंट रेसलमेनिया 37 की तरह हो सकता है, जहाँ पे कि रोमन वर्सेस एज होने वाला था जो कि चेंज हो गया रोमन वर्सेस एज वर्सेस डेनियल ब्रायन में? क्या ये चीज़ यहाँ पे रिपीट होगी, रोमन वर्सेस कोडी रोड्स चेंज हो गया रोमन वर्सेस कोडी वर्सेज सेमी जैन बन सकता है? क्या लगता है आपको कमेंट करके ज़रूर से बताना। मुझे लगता है देखो, अगर बन भी जाएगा तो कुछ खासा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मैच इंटरेस्टिंग वैसे भी है एंड इससे शायद थोड़ा और हो जाए, लेकिन फिर भी देखते हैं भाई क्या होता है। अब मुझे लगता है कि ये चीज़ हो सकती है, चांसेस कम है लेकिन हो सकती है। बाय द वे एक और ऑप्शन ये भी है कि सेमी जैन फेस कर सकते हैं केविन ओवंस के साथ टीम करके उसोज को। तो काफ़ी सारे लोग चाह रहे हैं कि सेमी एंड केविन ओवंस वर्सेज उसोज हो, बाकी कुछ लोग चाहते हैं भाई कि ये वाला हो ट्रिपल थ्रेट। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोग सेमी जैन का कौन सा मैच देखना चाहते हो, सेमी जैन वर्सेज रोमन वर्सेज कोडी रोड्स या फिर सेमी जैन एंड केविन ओवंस वर्सेज उसोज अनडिस्प्यूटेड WWE टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। कमेंट करके आप लोग लिख के जरूर से बताना। बाय द वे मैं चाहता हूँ सेमी जैन ट्रिपल थ्रेट में ही ऐड हो जाए ताकि हम लोग जे उसो वर्सेज जेमी उसो का मैच देख सके। आप लोग बता सकते हो अपने ओपिनियंस कमेंट करके एंड इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि शाम से सारी चीज़ें बैक टू नॉर्मल हो जाए, थोड़ा सा आप लोग समझ जाओ। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, फॉलो कर लेना मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, दोनों के लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ऑफेयर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।